Hello friends, welcome to Unacademy Studio Rise. This is India's online education platform and largest unit. Now I am going to take a session on capital adequacy ratio, base rate, external benchmark in the Dhanush scheme. Without any delay, you know about me. I am Raju Singh, pursued my master and LLB from the Allahabad University. Last 20 years I am teaching economics for the civil services. I have authored many books like Indian and International Economy, Summary of India books, Summary of Economic Survey and Current Affairs. You know about Unacademy Plus platform. Here 77 plus educators are providing their education services, quality teaching. यहाँ पर वे शिक्षक पढ़ाते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक नाम स्थापित कर चुके हैं और पूरे देश भर से यहाँ एजुकेटर्स उपस्थित हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी विशेषज्ञता के साथ. ना केवल कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. स्टडी मटेरियल उनके अनुभव और अनुसंधान से विकसित किए जाते हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल हैं, आपकी पढ़ाई को सरल और सहज बनाते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वैसे तो कोर्स एक महीने से लेकर के 24 महीने तक का है, बट अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसा कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर दिख रहा है तो एक साल का कोर्स आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि यूपीएससी का कोर्स बहुत बृहद है, कॉम्प्रिहेंसिव है. यहाँ तक कि कई बार एक साल भी कम पड़ जाए ऐसे सिचुएशन में आप रिन्यू करा लेना. और इसकी फी है केवल 40,000 रुपये, एक साल का कोर्स है. 10% आपको छूट मिल सकता है. आप मेरे कोड राजू लाइव RAJULIV का यूज करते हैं तो 10% का इंस्टेंट कॉन्सेशन और इसके वजह से ये फीस बनती है 36,000 रुपीज. ठीक है, जो लोग ग्रेजुएशन के अंदर हैं, कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं या नौकरी में हैं या घर संभाल रहे हैं, ऐसे लोग अगर 2 साल का कोर्स ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. और यहाँ 2 साल के कोर्स बताई का फी बताया गया है 64,000, जबकि यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट लेकर के आप अपनी फी को रिड्यूस करके 57,600 बना सकते हैं. और इस पैसे में आपको 2 साल तक लगातार आपके यूपीएससी के टोटल कोर्स अवेलेबल होंगे, सारे सेक्शंस ऑफ जनरल स्टडीज के, चाहे वो प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, सीसेट हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है इस फीस के अंदर. अब सवाल उठता है कि हम जुड़ेंगे कैसे इससे, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और वहाँ मेरे कोड राजू लाइव को ध्यान से भरिए इस डेटा को और 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीके से अनअकैडमी प्लस पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है. इस कोर्स की जो खासियत है वो है कस्टमाइज्ड लर्निंग सिस्टम, पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम. मतलब क्या, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, अपने शहर में रह करके, अपने गांव में रह करके, जॉब करते हुए, एकेडमी की तैयारी जारी रखते हुए, आपको जब भी जितना स्पेयर टाइम मिलता है आप उसको अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. आपको शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, एकेडमी छोड़ने की जरूरत नहीं है. जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए. यहाँ टीचर के साथ 1-to-1 हो सकते हैं. अगर बाय द वे क्लास मिस हो गई तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं. बार बार जो भी मैटर है उसको
आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है प्लस कोर्स पर, जो रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होता ही है, मॉक टेस्ट होता है वीकली, और टीचर के एक्सपर्टिज्म का लाभ आपको मिलता है। ये वही टीचर हैं जो अपने अपने फील्ड पर नाम बना चुके हैं। नाउ अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। व्हाट इज कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो? कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पूंजी के साथ जोखिम भारी संपत्ति का अनुपात होता है, हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ये है क्या, पहले इसको समझिए, यह कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लाने के पीछे पर्पस क्या है, किसने इसे इश्यू किया, कौन इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट करता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा, इस टॉपिक पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये इस गाइडलाइन को देती है जिसको हम बेसल्स का नॉर्म्स कहते हैं, बेसल नॉर्म्स बोलिए या अकॉर्ड बोलिए। और अभी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इसको बेसल थर्ड नॉर्म्स बोलते हैं, जो अभी रन कर रहा है। ये क्या है और क्यों है? पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग के ऊपर लोगों का फेथ हो, ट्रस्ट हो, इसके लिए बैंक को कुछ प्रिकॉशन सजेस्ट किए जाते हैं। अगर बैंक ने लोगों का डिपॉजिट आता है बैंक में, बैंक में लोगों के इक्विटी होते हैं, ओनर पार्टी इक्विटी शेयर, हमने सपोज करिए कि यह PNB है और इसका शेयर ले रखा होगा, ठीक है, शेयर मेरे पास है तो मैं इक्विटी होल्डर हूं, मैं ओनर हूं इस बैंक में। और सपोज कीजिए कि आप सभी लोगों ने इसमें बैंक में अपने अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे, ठीक है। अब इस टोटल पैसे को सपोज करिए कि बैंक लोन देती है, एडवांस देती है, ठीक है, हमने बोला लोन और एडवांस थोड़ा आप बेसिक समझ लीजिए, व्हाट इज लोन एंड व्हाट इज एडवांस। जो शॉर्ट टर्म के लोन होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म के जो लोन कह लीजिए, जनरली लोन ही बोलते हैं लोग, एडवांस बोलते हैं, और लोन इन द लॉन्ग टर्म से। तो बैंक ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, सपोज यहां कोई चैलेंज आ जाए, मनी नॉट रिटर्न प्रॉपरली, तो आखिर बैंक कैसे अपने डिपॉजिटर्स के मनी को रिटर्न करेगी? इसके लिए BIS का गाइडलाइन है एट द वर्ल्ड लेवल, और गाइडलाइन किसको? मेंबर कंट्री के सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को। सो BIS प्रोवाइड द गाइडलाइन टू द मेंबर कंट्री सेंट्रल बैंक, एंड सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट इट इन ओन कंट्री, ठीक है। ये अब आप इसको समझेंगे कैसे, हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया दे इंप्लीमेंट दिस बेसल थर्ड नॉर्म्स। तो इंडिया के अंदर कौन इंप्लीमेंट करता है? RBI। वर्ल्ड लेवल पर किसका गाइडलाइंस है, किसका नॉर्म्स है, किसका अकॉर्ड्स है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की अपनी एक कमिटी होती है, तो इसको बोलते हैं BISC, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कमिटी। ये इसका कॉन्सेप्ट समझिए, पर्पस क्या है कि बैंक शुड कीप सम परसेंटेज इन ओन हैंड, आप रखो ताकि कोई मिसमैच हो तो आप अपने डिपॉजिटर्स के मनी को रिटर्न कर सको। यदि बैंक इस टाइप का फैसिलिटी अवेल कराता है, फॉलो करता है, प्रिकॉशन फॉलो करता है, सो वी पीपल कंसीडर देयर इज नो एनी रिस्क, और हम लोग बैंक पर ट्रस्ट करके बैंक में डिपॉजिट करते रहेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो हम लोग एक सोचेंगे कि
कि पॉसिबल है कि बैंक में आजकल प्रॉब्लम है, बैंक हमारी डिपॉजिट ना दे सके, तो हम लोग या तो अपने पैसे विड्रॉ करेंगे, बैंक रन सिचुएशन हो सकता है, मे बी वी पीपल नॉट डिपॉजिट मनी इन द बैंक, सो बैंक ऑटोमेटिकली फेल। यही है प्रिकॉशनरी मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय BIS एंड इन अवर कंट्री और सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस फॉर द बैंक्स। इतना बेसिक बात है। जरा क्वेश्चन की दिशा से बता दें आपको, अब तक IAS में के प्रिलिम्स में ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट इससे आगे भी नहीं गए, इतना ही पूछा गया है। लेकिन मैं आपको आगे का भी डिस्कस कर रहा हूं, अगर इससे भी टफ क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए, यहां पर जगह ज्यादा है, यहां पर बातें करते हैं ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखिए। दिस इज द टियर वन कैपिटल प्लस टियर टू कैपिटल अपॉन RWA रिस्क वेटेड असेट्स। टियर वन कैपिटल प्लस टियर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 है। वाई 100 है, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आप सबों को होगा। तमाम आप जब सर्च करोगे गूगल तो वहां पर ये 100 को नहीं रखते हैं। एक जनरल आपको इवेल्युएट करने का मेथड दे रहा हूं कि हियर गिवन द रेशियो, तो रेशियो निकलता कैसे है, विदाउट मल्टीप्लाई बाय 100 कैसे रेशियो निकालोगे। तो ऑन मेनी प्लेटफॉर्म ओनली गिवन टियर वन कैपिटल प्लस टियर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स, तो ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 होना चाहिए, तभी ये रेशियो निकलता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर केवल इनकम्प्लीट देखिए टियर वन कैपिटल प्लस टियर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, तो आप ये मत समझ लेना कि ये हमने कहीं गलत बता दिया आपको। आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि रेशियो का मतलब ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज टियर वन एंड टियर टू। सो टियर वन इज ए कैपिटल। कैसा कैपिटल? टियर वन कैपिटल को ज्यादा स्ट्रेंथन मजबूत कैपिटल बोलते हैं। इसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होता है, यू नो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर कोई जोखिम होगा तो बर्दाश्त कर सकते हैं। एक टियर वन कैपिटल कहां से आता है? तो आता है इक्विटी कैपिटल प्लस जो अर्निंग होती है, रिटर्न अर्निंग होती है, उससे आता है, या रिजर्व कैपिटल बोल सकते हैं, रिटर्न अर्निंग या रिजर्व कैपिटल बोल सकते हैं। सो दिस इज द टियर वन कैपिटल। नाउ व्हाट इज टियर टू? टियर टू उतनी स्ट्रेंथन कैपिटल नहीं होती है, ठीक है। इसमें रिवाइज रिजर्व कैपिटल यानी जो संशोधित होता है, रिवाइज रिजर्व कैपिटल ये होता है, हाइब्रिड होता है, इस तरह की चीजें होती है। जो शेयर रखा जाता है वो कैपिटल टियर वन कैपिटल से ज्यादा रखा जाता है। कैसे बोलते हैं? टियर वन इज ग्रेटर देन टियर टू इज इक्वल टू 100, मतलब इससे ज्यादा पूंजी रखी जाए, 50% से ज्यादा, ये 50% से कम। क्यों? ये ज्यादा मजबूत पूंजी है। अगर इसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन आप रखोगे यानी रिस्क मिट आउट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी और टियर टू में कम होती है,
दिस इज द हाई रिस्क मिटिगेशन कैपेसिटी बिकॉज इट इज मोर लिक्विडेट. ये बहुत ज्यादा लिक्विडेट होता है. लिक्विडेट मीन्स तरल होता है, और जो ज्यादा तरल होता है, लिक्विड होता है, उसकी कैप रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई. तो ये रहा टियर वन टियर टू. अब थोड़ा और कैसे समझिएगा ना, here the more place, so yeah, I'm discussing here, you know. Suppose करिए ये bank है और bank का assets और bank की debt. ये कैश है 10 रुपीज, सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड 15 रुपीज, मॉर्गेज लोन 20, अदर लोन्स 50 and other assets 5. अब बैंक ने लोन दिया, ठीक है, ये कैश 10 रुपीज, देर इज नो रिस्क, 0% रिस्क मीन्स 0. अनदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 15, यर 0 रिस्क इज 0. सपोज मॉर्गेज लोन 20, रिस्क इज 50%, सो 10 रुपीज, और अदर लोन 50, 100% रिस्क मीन्स 50, अदर एसेट्स 5 मल्टीप्लाई बाई 100, सो दिस इज 5, टोटल 65, टोटल इज 65. ये है रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है. बट यू नो टोटल असेट्स इज दिस, और लोन कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स 100 है, 100 माइनस डिपॉजिट्स, एसेट्स इज 100, डिपॉजिट इज माइनस 95, इट मीन्स इक्विटी इज 5. ये इक्विटी हो गया जो ओनर्स के पैसे हैं, और डिपॉजिट्स क्या होता है, पीपल्स आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. ये टोटल 100 हुआ, और इस 100 को इधर इधर डेट में इन्होंने दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इसके सिचुएशन ये है. तो अब हम निकाल रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालेंगे कैसे, ये दिया एसेट्स, एसेट मींस टियर 1 प्लस टियर 2, और दिस इज द 5 अपॉन 65. ये निकल के कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 7.6. इस तरीके से निकाला जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो उसमें बैंक के एसेट्स, बैंक के अपने इक्विटी भी होते हैं,
और डिपॉजिट्स भी होते हैं, ये टोटल। बट हमें निकालना किसके साथ है? बैंक के कैपिटल के साथ है, ना कि डिपॉजिट्स के साथ है। और ये रिस्क वेटेड एसेट्स है, ठीक है। अब मैं रियल पिक्चर की बात करूं, आज इंडिया में रेगुलेटरी कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ये आरबीआई के पोर्टल पे था, आजकल 12% की बात हो रही है, लेकिन ये डेटा 11.5 का दिखा रहा है। देखिए, मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियो से 5.5%, और एक जो बेसल थर्ड्स है, बेसल थर्ड नॉर्म्स में एक स्पेशल मेजर्स इंक्लूड किया गया है, वो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। पहले भी हम रखते थे, बट इस बार ये एडिशनल अमाउंट रखा गया है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। और कहां से रखना है? इक्विटी से रखना है, और मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियो से 5.5। और देखिए, ये दोनों को आप जोड़ेंगे, 5.5 एंड 2.5 तो 8% होगा। एडिशनल टीयर वन कैपिटल, जिसको मैं कह रहा था कि रिजर्व कैपिटल या रिटेन प्रॉफिट, उसी की बात है। और मिनिमम टीयर वन कैपिटल ये हुआ, फर्स्ट को, वन को और फोर्थ को जोड़ने से ये 7% होता है। और सबसे कम अमाउंट कहां से रख रहे हैं? टीयर टू कैपिटल। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, टीयर वन कैपिटल इज वेरी स्ट्रेंथन कैपिटल, मोर लिक्विडेट, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज हाई, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज हाई, इसीलिए बड़ा शेयर इक्विटी कैपिटल से रखे जा रहे हैं, टीयर वन से रखे जा रहे हैं, बट टीयर टू से कम ओनली 2%। दिस इज द टोटल 9, और 2.5 अगर एड ऑन करेंगे ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर का, जो एडिशनल कंडीशन है बेसल थर्ड्स के अंदर, ये टोटल बनता है 11.5%। जो BIS है उसका कंडीशन है थर्ड के अंदर, बेसल थर्ड्स के अंदर ओनली 8%, बट हमारी RBI इसको 9% कंसीडर करती है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास रिस्क ज्यादा है। और इवन आप देख रहे हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आजकल इसको 12% रखने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज मेजर चैलेंज इन द PSB, जिसका रिस्क ज्यादा होगा उसको ज्यादा कैपिटल रखने की जरूरत पड़ेगी, उसको ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रखने की जरूरत पड़ेगी, ये है। अब क्वेश्चन है, रिस्क वेटेड एसेट्स आर यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाई बैंक्स टू मेंटेन देयर सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स अगर कोई उसको जिम्मेदारी आती है तो वह उसको भुगतान कर सके। दिस मिनिमम इज बेस्ड ऑन अ रिस्क असेसमेंट फॉर इच टाइप ऑफ बैंक रिस्क एक्सपोजर, लाइक द क्रेडिट रिस्क, ये देखिए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और काउंटर पार्टी एंड क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? बैंक ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, इस लोन के ना आने पर एक क्रेडिट रिस्क हुआ। व्हाट इज द मार्केट रिस्क? सपोज कि मार्केट में ज्यादा कंपटीशन हो जाए, फॉरेन बैंक्स आ जाए इंडिया के अंदर, उसके साथ फाइट करना पड़े, कोई बिग बैंक के साथ फाइट करना पड़े, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, सपोज दो बैंक है, एक का ब्रांच का कॉस्टिंग कम है और एक के ब्रांच का कॉस्टिंग ज्यादा है, बिकॉज हाई पेमेंट ऑफिशियल्स देयर, ये हो सकता है, द रेंट इज वेरी हाई। सपोज कि दिस ब्रांच ऑन द मेन रोड साइड, सो देयर रेंट इज हाई। सपोज कि ये गली में है, लेन के अंदर है, देयर रेंट कॉस्ट इज लो, बिल्डिंग इज वेरी स्मॉल, सो इसका कॉस्ट कम है, ये भी हो सकता है। काउंटर पार्टी एंड क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, जो भी आपने लोन दिया है उसका वैल्यूएशन भी बार बार डिसाइड करना पड़ता है,
तो ये सारी चीजें ये रिस्क होती हैं, इन्हीं सब रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है अंडर द रिस्क वेटेड असेट्स। द रिस्कियर द असेट्स द हायर द RWA एंड द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आपका RWA ज्यादा होगा, ठीक है, सपोज कि ये 5 था और हमने कैपिटल असेट्स जो बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2, और ये 65 था, सपोज अगर ये 5 हो और ये हो जाए 100 या 65 से बढ़ के 100 हो जाए सपोज, तो क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आपको जो है कैपिटल बैंक के अंदर रखना पड़ेगा, ये है प्रॉब्लम। बैंक रिकैपिटलाइज। अब क्वेश्चन क्या है कि बेसिस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बैंक में कैपिटल रखना पड़ेगा। कैपिटल कौन रखेगा? ओनर। और इंडिया के अंदर मेजरली ओनर ऑफ द बैंक इज PSB, ओनर इज द बैंक ओनर इज गवर्नमेंट। तो आखिर इस बैंक में पैसे कौन डिपॉजिट करेगा? गवर्नमेंट। ए ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन द बैंक, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द PSB मेजर बैंक्स। अब देखिए, तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन, व्हाई से रिकैपिटलाइजेशन, व्हाई नॉट ओनली कैपिटलाइजेशन, बिकॉज अर्लियर ओनर इज द गवर्नमेंट इज द ओनर, दे आर कैपिटल इंगेज देयर, अगेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट द मनी, सो दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन। बैंक विथ न्यू कैपिटल टू इंप्रूव देयर बैलेंस शीट, द गवर्नमेंट यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन्फ्यूजेस कैपिटल इन टू बैंक अंडर गोइंग क्रेडिट क्रंच। ठीक है, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाई शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस, जो शेयर होल्डर्स है, सो गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक, या जो भी है वो इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए, इतना सारा पैसा गवर्नमेंट कहां से लाएगी? इसके लिए बैंक अपने बजट से एलोकेशन, बजट एलोकेशन, बट बजट से भी इतना पैसे कहां से लाएगी? सो दिस इज द रीजन ये बॉन्ड जारी करते हैं, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, बॉन्ड मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट इशूड दिस एंड कलेक्ट मनी फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक फॉर द बेसल नॉर्म्स रिक्वायरमेंट। तो बजट एलोकेशन से कुछ पैसे और कुछ पैसे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से गवर्नमेंट कलेक्ट करके और बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट अपने बजट से ज्यादा एलोकेशन नहीं कर सकती, बिकॉज 3.3% ऑफ GDP इज द करेंट फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट हियर? मींस बजट के चैप्टर में आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, बट यहां थोड़ा सा मैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में बता रहा हूं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इफ द एक्सपेंडिचर इज हाई देन रेवेन्यू, द डिफरेंस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, सो ऑलरेडी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 3.3% ऑफ GDP है, और गवर्नमेंट एक गाइडलाइन से रन कर रही है कि यू शुड रिड्यूस योर GDP, योर फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ FRBM। ठीक है, FRBM नाउ कमिटी, सब डिस्कस करेंगे बजट के चैप्टर में। तो गवर्नमेंट बहुत सारा फंड एलोकेट बजट से नहीं कर सकती है, ये रीजन है। सो द गवर्नमेंट कलेक्ट लोन फ्रॉम द मार्केट बाय द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, ये दिया हुआ आपको। द गवर्नमेंट बाइफर्केटेड द इंटायर रुपीज 2.11 lakh crore अमाउंट इन टू पार्ट्स, फर्स्ट थ्रू द बजटरी एलोकेशन एंड सेकंड बाय यूजिंग इशूइंग रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्फ्यूज
₹76,000 lakh crore capital by the giving it space in budgetary allocation and through markets, and rest by using recapitalization bond. Now, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक नया टॉपिक, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. ये बेंचमार्क तो खैर पहले से है, जो डिस्कस करना है रियल टॉपिक क्या है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क मेरे को पढ़ाना है. एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है, टॉपिक तो ये है, बट हमको बैकग्राउंड चाहिए, तब जाके आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा. एक्सटर्नल बेंचमार्क अ वेरी न्यू थिंग इन द इंडिया. 1 अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने इसको गाइडलाइन दिया कि इसको बैंकों को फॉलो करना होगा. इसके पहले 1 अप्रैल 2019 से इसको वॉलंटरली लागू करना था बैंकों को, बट नाउ इट इज कंपल्सरी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019. बट ये टॉपिक है, यहां तक आने के लिए हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत है. यू नो, ये है BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. ये जुलाई 1 जुलाई 2010 से पहले चलता था, और 1 जुलाई 2010 से इसके जगह पर लेके आए हैं हम बेस रेट. यू नो, बेस रेट. ये BPLR क्या है और प्रॉब्लम क्या था, क्यों लाया बेस रेट. सपोज कि ये बैंक है, ये बोरोवर है, कस्टमर है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, जीरो, ऐसे बोलेंगे जीरो रिस्क कस्टमर. जीरो रिस्क कस्टमर, और यू कैन से फेथफुल कस्टमर, क्रेडिट वर्दी फेथफुल कस्टमर. इनको बैंक जिस रेट पर लोन देती है उसको कहते हैं BPRL, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, और जिसका रिस्क इससे ऊपर होता है उसको एड ऑन करती इंटरेस्ट रेट को ए देती थी, ऐसा होता था. बट इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम था कि सपोज बैंक, ये BPLR इज सपोज 13%, बैंक ने सपोज टाटा कंपनी को दिया 9% पर लोन, और मैं हूं, मेरे को स्मॉल इंडस्ट्री चलाना है, मेरे को दिया 11% पर लोन. I cannot compete with Tata because this is a big company. But here bank discriminate with me on the basis of interest rate. Tata ko on the 9% cheaper rate, 9% cheaper rate, aur humse charge kar rahi hai 11%. How I can fight with the Tata? Because Tata is a big company. Is tarah ke discrimination hota tha कि बैंक किसको किस रेट पर लोन दे रही है, दिस पिक्चर वॉज नॉट क्लियर. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लेकर के आते हैं बेस रेट. बेस रेट, ठीक, बेस रेट, व्हाट इज बेस रेट, दिस इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक. बिलो दिस इंटरेस्ट रेट बैंक कैनॉट प्रोवाइड लोन टू अदर्स, ठीक है. सो मिनिमम इंटरेस्ट रेट, इसके नीचे जाकर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते. सपोज इफ द बेस रेट इज अ बैंक 12%, इफ बैंक ऑफर मी 13%, सो आई वेल नो कि मे बी बैंक कैन प्रोवाइड टाटा ऑन द 12%, बट कैनॉट प्रोवाइड बिलो 12%. सो पिक्चर इज टोटली क्लियर, बिकॉज बेस रेट is the minimum interest rate of the bank, and below this rate bank cannot provide loan to the any people, any entity. So ye tha base rate. Base rate
was introduced on 1st July 2010. But how calculate base rate? ये देखिए, base rate is equal to average cost of fund plus average cost of, here written, you know, base rate is the average cost of funds plus cost of CRR. What is average cost of fund? बैंक में जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उन पर जो भी उसको इंटरेस्ट पेड करना है उसका एवरेज लेती है. इवन आरबीआई से लोन लिया, रेपो रेट, इन सब का भी, सबका टोटल का एवरेज लिया. सेकंड, कॉस्ट ऑफ सीआरआर. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सीआरआर? यू नो इन माय अर्लियर लेक्चर इन द बैंक देयर एनडीटीएल ND plus TL net demand and time liability is suppose 100 rupees or 100 crore. So there are 4% of NDTL banks should deposit in RBI in the cash form, means 4 crore rupees. But on this deposit RBI not pay any interest to the bank. Whenever this total 100 crore which deposited in the bank, bank pay interest charge, but on this 4 crore there is no interest earning from the RBI. This is the challenge, right? So this is the cost of CRR. Operational cost, you well know, operational cost means bank ka rent, employees expenditure, stationery expenditure, advertisement and many more, plus profit. बैंक डूइंग बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए काम करती है. सो ऐसे कैलकुलेट होता था बेस रेट. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन हियर? व्हेन द आरबीआई डिक्टेट यू शुड फॉलो द एमएसएफ मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट टू फंड एमसीएलआर मेथड. You should follow MCLR method, and on the guideline of RBI, bank it introduced by the 1st April 2016. Why said by the RBI introduce MCLR method for the calculation of base rate? Now, let's suppose in 2 years. RBI reduced repo rate 1.75%. It means bank got earlier a cheaper rate, but bank not reduce their interest charge, interest rate according to lower repo rate. Only 0.5% or 0.6% reduced by bank for the businessman customer. So this was the concern of RBI. When RBI reduced the repo rate, but bank not transferring the monetary policy, this benefit to the businessman, industrialist and peoples. This was the major problem. So lastly, RBI dictated to the bank, you should follow MCLR method. So this was introduced by 1st April 2016 and your UPSC has been asked this question in the same year, in 2016 question. Examination, prelims examination, you know. What is MCLR? Marginal cost of funds based lending rate. The MCLR refers to the minimum interest rate of bank below which it cannot lend except in some cases allowed by the RBI. It is an internal benchmark, right? Internal benchmark or reference rate
for the bank. MCR actually describes the method by which the minimum interest rate for loans is determined by bank on the basis of marginal cost or the additional or incremental cost. Marginal bolo, simant boliye, incremental boliye, sab ek hi shabd hai. Simant, theek hai? Vriddhiman, additional boliye, vriddhiman, simant, ye sab ek hi shabd hai. Term ko main samjha raha hu. Kya hai? Cost of arranging on one more rupee to the prospective borrower. Now, RBI decided to shift from base rate to MCLR because the rates based on marginal cost of funds are more sensitive to change in the policy rates. ठीक है? एक second. This is very essential for the effective implement of monetary policy prior to MCLR system. Different banks were following different methodology for calculation of base rate, minimum rate. That is the either on the basis of average cost of funds or the marginal cost of funds or blended cost of funds. 1 अप्रैल 2016 से पहले कुछ बैंक तो अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड या दोनों को मिला के यूज करती थी. और एमसीएलआर का एम क्या है? टू इंप्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट इनटू द लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक. टू इंप्रूव द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीन्स जो आरबीआई रेपो रेट को डाउन करे. So this facility should avail by the bank to the customer on his loan. ठीक है, ये customer को जरूर दो. ये है transmission of policy rates. RBI trying to reduce the interest rate, so they reduce the repo rate, but bank not transfer this lower interest rate to the market. To bring transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advance. To ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to borrowers as well as banks, to enable banks to become more competitive and enhance their long run value and contribution to economic growth. Calculation of MCLR. ठीक है, कैसे calculation करते हैं? यहां हमने बना के दिया है, ये देखिए. इसको आप MCLR base rate को ही calculation method है, but हम इसको MCLR बोलते हैं. ये क्या? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड. पहले क्या लिखा था हमने? एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मींस अभी अभी आपको जो लोन मिला है इस पे कौन सा इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल रेट तय करो. टेनर ये होता है पीरियड. लोन एक महीने के लिए है, एक साल के लिए है, तो इसको इसमें पुट करना पड़ता है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है. बाकी सब सेम है. कॉस्ट ऑफ सीआरआर, ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट तो सेम है. चेंज क्या हुआ है? दो चीजें. एक एवरेज कॉस्ट के जगह पर मार्जिनल कॉस्ट. मींस लास्ट टाइम आरबीआई अवेल एट द चीपर रेट, लोअर रेपो रेट, सो यू शुड इंक्लूड दिस. ये है इसका मेन पर्पज. बट ये सब भी इन इंटरनल बेंचमार्क का सिम्टम है. अभी आरबीआई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाई द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर 2016. सो आरबीआई वॉज सेट अप ए कमिटी, जनक राज कमिटी. जनक राज कमिटी, और इस जनक राज कमिटी ने क्या से रेफर किया, रिकमेंडेशन क्या है कि इंटरनल बेंचमार्क के प्लेस पर, इंटरनल बेंचमार्क या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड एमसीएलआर के स्थान पर आप एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉलो करो. एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉलो करो. ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क? It has been observed that due to various reasons, the transmission of policy rate change to the lending rates of banks under current MCLR framework has not been satisfactory. Lagu to kiya, but utna fayda nahi tha. The RBI therefore has today issued a circular making it
कि ये आप मैंडेटरी फॉर बैंक्स टू लिंक ऑल न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल और रिटेल लोन्स फ्लोटिंग रेट लोन्स एमएसएमई टू अन एक्सटर्नल बेंचमार्क इफेक्टिव अक्टूबर 1, 2019 अभी लेटेस्ट में लागू हुआ है और ये आपकी यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप ध्यान रखना एक्सटर्नल बेंचमार्क, अभी मैं डिटेल से बात करता हूँ व्हाट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो क्या है जनक राज कमेटी, बैंक कैन अप्लाई एनी वन ऑफ, ये देखिए बैंक कैन अप्लाई एनी वन आउट ऑफ दीज। या तो आप ट्रेजरी बिल रेट ले लो, आप जानते हैं कि दिस इज द गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल फॉर द लोन पर्पज एंड आरबीआई ऑक्शन इट, और ट्रेजरी बिल पर जो इंटरेस्ट डिसाइड होता है उसी की बात हो रही है, रेपो रेट, और दूसरा है सीडी रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेट, ठीक है। ये मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में यानी शेयर मार्केट के चैप्टर में खूब विस्तार से सीडी ये सब बताऊंगा। सीडी रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेट बैंक इस पर बोरो करती है मार्केट से, ये तो रेपो रेट को ले लो या तो ट्रेजरी बिल रेट ले लो या सीडी रेट लो, आउट ऑफ दीज थ्री एनी वन ए बैंक कैन फॉलो, ठीक है। इंटरेस्ट विल चेंज पर मंथ अकॉर्डिंग टू बोरोवर क्रेडिट स्कोर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोरोवर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, यू नो सिविल, इसको सिविल स्कोर भी बोलते हैं बट इसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। सिविल हमारे पर्सन्स को या कंपनी को क्रेडिट स्कोर देती है, आप देखो क्रेडिट स्कोर देती है, बट जो रेटिंग एजेंसी होता है वो रेट करती है, ठीक है। तो ये सिविल क्रेडिट स्कोर, और क्रेडिट स्कोर शो ए पर्सन पेमेंट कैपेसिटी अर्लियर लोन हाउ द पेड मनी, ये उसका जिसका क्रेडिट स्कोर ऊंचा होता है इट मींस दिस इज द क्रेडिट वर्दी बॉरोअर, ठीक है। क्रेडिट स्कोर के ऊपर बिहाफ के बेसिस पर डिपेंड करता है बैंक मोर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड लोन एंड ऑन चीपर रेट। सो अगर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है तो इंटरेस्ट चार्ज कम लगेगा। ए बैंक कैन नॉट अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन द सेम टाइप ऑफ लोन, एक ही तरह के लोन पर आप अलग अलग मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, एक तरह के लोन पर एक तरह का मेथड चलेगा, ये है। इट शुड बी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क। इट इज रियल पर्पज टू ट्रांसफर मॉनेटरी पॉलिसी बेनिफिट्स टू बोरोवर, ठीक है। दिस द सिस्टम इज मोर ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑल बोरोवर्स कुड नो अबाउट फिक्स रेट एंड अबाउट बैंक्स स्प्रेड वैल्यू। स्प्रेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो उसका डिफरेंस होता है डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एंड लोन इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसका डिफरेंस को ही बोलते हैं स्प्रेड वैल्यू, स्प्रेड रेट, ठीक है। इंटरनल बेंचमार्क फिक्स डिपॉजिट रेट सोर्स ऑफ फंड प्लस सेविंग रेट्स, ये होता था, बट अभी क्या है एक्सटर्नल बेंचमार्क। पहले क्या होता था इंटरनल बेंचमार्क, बट नाउ एक्सटर्नल बेंचमार्क बाय 1 अक्टूबर 2019 से इसको कंपल्सरी कर दिया गया है। अबाउट एक्सटर्नल बेंचमार्क एसबीआई हैज परफॉर्म लीडिंग रोल, जैसे इन्होंने कहने से पहले ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था एसबीआई, क्यों 1 अप्रैल 2019 से ये वॉलंटरी था, 2019 1 अप्रैल दिस वॉज द वॉलंटरी, बट एसबीआई इज द फर्स्ट बैंक विच इंट्रोड्यूस द एक्सटर्नल बेंच सिस्टम को, सो लीडिंग रोल। नाउ क्या है एसबीआई हैज इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल बेंचमार्क नॉट ओनली लोन एज वेल एज डिपॉजिट, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट, ये सभी डिपॉजिट और लोन्स पे नहीं है, ओनली अबव 1 लाख रुपीज सेविंग डिपॉजिट्स पर। और ये दिखा रहा है क्या
कि जितना रेपो रेट होगा उससे 2.75% बिलो, और जितना लोन और एडवांस के ऊपर क्या होगा, जितना रेपो रेट होगा प्लस 2.25% एक्सेस, और साथ में रिस्क कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ बोरोवर। तो ये है, एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क को 1 लाख रुपए से ऊपर के डिपॉजिट और लोन पर इंट्रोड्यूस करा है। डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट पे करेगी, रेपो रेट से 2.75% बिलो, और लोन पर रेपो रेट से 2.25% एक्सेस, और प्लस होगा उस पर्सन का सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर। ठीक है, जिसका रिस्क स्कोर कम होगा उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और जिसका रिस्क कम होगा उसका इंटरेस्ट कम होगा ना। अब हम बात करने जा रहे हैं इंद्रधनुष स्कीम। आप देखिए 2019 में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष स्कीम, और क्वेश्चन कहां था, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इंद्रधनुष स्कीम मतलब 7 colors, सो हियर दे यूज द 7 points A to G, A B C D E F G। ठीक है, और एक एक पॉइंट एक एक इंग्लिश अल्फाबेट से क्लियर किया गया है। ए फॉर अपॉइंटमेंट, क्या होता था कि बैंक के अंदर ए सिंगल पर्सन होल्ड द एक्सिक्यूटिव चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, बोथ पोस्ट होल्ड बाय द सिंगल मैन। ये बात ठीक नहीं थी, इसके लिए इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स में इस तरीके के डिफरेंस क्रिएट करना। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो, आप देखिए कि द अपॉइंटमेंट्स बोर्ड होता था पहले ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। इस अपॉइंटमेंट बोर्ड्स के स्थान पर, ऑन द प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट बोर्ड्स, क्या क्रिएट किया, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB। और फर्स्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होगा, जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है उसके टॉप ऑफिशियल्स का नाम को रेफर करना, रेकमेंड करना अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए। ठीक है, और बैंक को डिफरेंट टाइप के सजेशंस देना। आप देखिए याद दिया हुआ, इट वुड ऑल्सो होल्ड द बैड एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इसके मामले में सजेशन देना। BBB सेपरेट्स द फंक्शनिंग ऑफ PSBs फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई एक्टिंग एज मिडिल मैन, ये गवर्नमेंट और बैंक के बीच में BBB वर्क करेगी। ए, दिस वॉज सेटअप इन 1 अप्रैल 2016 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PJ Naik। ये भी क्वेश्चन का विषय है, PJ Naik कमिटी। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो वॉज विनोद रॉय, एंड सिंस 12 अप्रैल 2018 दिस इज द भानु प्रताप शर्मा एज प्रेजेंट टाइम, भानु प्रताप शर्मा। इन द BBB बोर्ड में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, तो फर्स्ट एक चेयरपर्सन होता है और 6 members होते हैं, 3 bank officials एंड 3 other experts। द फाइनल डिसीजन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर इज टेकन बाई अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। BBB सजेस्ट बट फाइनल डिसीजन टेकन बाई द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। ये थर्ड, कैपिटलाइजेशन, ड्यू टू हाई NPA एंड द नीड टू मीट द प्रोविजन ऑफ बेसल 3rd norms, कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स बाई इंड्यूसिंग ₹70,000 crore वॉज planned। अभी आपको डिस्कस कर रहे थे वही रिकैपिटलाइजेशन, बट यहां आर नहीं आएगा इसीलिए सी लिखा हुआ है सीधे सीधे, ये अबाउट द रिकैपिटलाइजेशन के बारे में है। फोर्थ, डी मींस डी स्ट्रेसिंग, यानी कि बैंकों के ऊपर से तनाव कम करना, सॉल्विंग इश्यूज अराइजिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन ऑर्डर टू चेक द स्ट्रेस एसेट इन द बैंक बाय स्ट्रेंथनिंग द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट ARC के थ्रू हम बैंकों के स्ट्रेस्ड एसेट को कम करने की कोशिश करेंगे।
तो ये है, और डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट डेट मार्केट ऑफ पीएस फॉर पीएसबी, डेट मार्केट हो जहां से ये फंड उठा सके, और देखिए स्ट्रेस शुड रिड्यूस फ्रॉम बैड लोन, तो ये तो ऊपर आपने देखा स्ट्रेस लोन को कम करना, ये एक विलफुल डिफॉल्टर, ये भी बैंक को टेंशन देता है, इसके टेंशन से बैंक कैसे बचे। विलफुल डिफॉल्टर किसको बोलते हैं, ए विलफुल डिफॉल्ट वुड बी डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नोटेड, ठीक है, कोई भी रीजन इनमें से हो उसको हम विलफुल डिफॉल्ट बोलते हैं। कैसे, यू नो, पैसे लेता है बट पेइंग कैपेसिटी है बट नॉट फाइनली पे, ये है प्रॉब्लम। सेकंड क्या क्राइटेरिया है, द टेक मनी बट शिफ्ट टू अनदर वेयर, दूसरे कामों में लगा देता है, दिखाया कि मैंने इंडस्ट्री खोलना है और ले जाकर के कोई और अदर बिजनेस करने लगता है। थर्ड, लोन लिया बट उसको कहीं और जो है कि मनी को साइफन कर देता है, इवन ये कि कोई एसेट क्रिएट करा वहां पर ताकि कल को वह रिकवर कर सके, तो ये भी कंडीशन होता है। और फोर्थ, द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इज मीटिंग इट्स पेमेंट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज ऑल्सो डिस्पोज ऑफ और रिमूव द मूवेबल फिक्स्ड असेट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, सपोज कि बैंक से जब उसने बोरो किया तो उसने कोई अपना एसेट्स शो किया, जस्ट लाइक सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं, कॉलेट्रल बोलिए, सिक्योरिटीज बोलिए, और इस सिक्योरिटीज के अगेंस्ट उसने बैंक से बोरो की, लोन तो नहीं चुकाया बट इस एसेट्स को भी किसी को सेल आउट कर दिया विदाउट इन्फॉर्म टू द बैंक, ठीक है, इसी एसेट्स और सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक ने लोन दिया था लेकिन उसने क्या किया, विदाउट इन्फॉर्म टू बैंक सेल आउट दिस एसेट्स एंड सिक्योरिटीज, तो ये है विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू पीएसबी इन हायरिंग मैन पावर, यानी बैंक मार्केट से हाई स्किल पीपल को अपॉइंट कर सकती हो, ये इसका पावरिंग दिया जाता है, पावर दिया जाता है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द असेसमेंट ऑफ द बैंक्स वुड बी बेस्ड ऑन ए फ्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इट वुड बी इंक्लूसिव ऑफ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स सच एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, रिटर्न ऑन कैपिटल, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स सच एज स्टेप्स टेकन इन इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स इनिशिएटिव्स, यानी इस सब के बारे में बैंक को अपनी डिसीजन लेने का पावर हो, तो ये है। और लास्ट है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एक ज्ञान संगम आयोजित किया गया था 2015 में, यानी बैंक कैसे इस अपने चीजों को इम्प्रूव करे, किस तरह के रिफॉर्म करे, इस पर बैठ करके मीटिंग किया गया, दिस इज कॉल्ड ज्ञान संगम। आप देखो कि अगर ज्ञान संगम पूछ ले प्रीलिम्स में क्वेश्चन, तो आपको लगेगा अच्छा ये विद्वानों की मीटिंग है, ये सन्यासियों की मीटिंग है, ये कुछ ऐसा, लेकिन नहीं, दिस इज द मीटिंग ऑफ बैंकर्स। थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन मैं कंप्लीट करता हूं। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिए, और मेरे कोड राजू लाइव RAJULIV का यूज करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। और कल के सेशन में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो ये है।